अब हम फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शन क्या होते हैं? हमने पहले सेट इंट्रोड्यूस किया, फिर हमने देखा रिलेशन क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में किस तरीके से कोई रिलेशनशिप बनती है। रिलेशनशिप में हमने देखा डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब। अब जो रिलेशनशिप बन रही है, जो स्पेशल टाइप की रिलेशनशिप होंगे, उन्हें हम फंक्शन कहेंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर आप मैथमेटिक्स में अपना भविष्य देख रहे हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। फंक्शन एक तरीके से रूल है, एक गाइडलाइन है, जिससे नए आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, उससे नए एलिमेंट पैदा होंगे, उससे नए एलिमेंट बनेंगे। आप उस फंक्शन से नए एलिमेंट बना सकते हैं। कैसे? कि हाँ भाई, ये इसको सेटिस्फाई करता है तो वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो नए एलिमेंट आपके पास आएंगे। उसको हम मैप कह सकते हैं, मैपिंग कह सकते हैं, या मैप या मैपिंग दोनों ही आप यूज कर सकते हैं एक फंक्शन को डिनोट करने के लिए। तो जरा इसका डेफिनेशन देखते हैं। एक रिलेशनशिप आर, एक सेट ए से बी, इसको हम फंक्शन कहेंगे यदि जितने भी एलिमेंट सेट ए में है उसकी एक और केवल एक इमेज हो सेट बी में। आपने देखा था, अभी हमने इमेज भी देखी, हमने डोमेन कोडोमेन देखा। तो अगर फंक्शन तभी हो सकता है जब हर एक एलिमेंट ए की केवल एक और केवल एक इमेज हो सेट बी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो फंक्शन एफ है, एक रिलेशनशिप है एक नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी में। किस तरीके से? कि जो डोमेन है एफ का, जो डोमेन है एफ का ए, और ये किसी भी दो अलग अलग कोई डिस्टिंक्ट पेयर में दिखाई ना दे पहला एलिमेंट बन के। यानी मान लीजिए आपके पास 2.6 दिखाई दे रहा है, ये 2.7 भी दिखाई दे रहा है, तो स्टार्टिंग में अगर ये दो बार दिखाई दे दिया तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो एफ फंक्शन तभी होगा ए और बी से जब ए और बी दोनों बिलोंग करेंगे इस फंक्शन को, और जो फंक्शन में अगर आप ए डालेंगे तो केवल बी ही आएगा, सी नहीं आ सकता, ऐसा नहीं आएगा। जहां बी को हम कहेंगे कि ये इमेज है इसकी ए की इस फंक्शन के प्रारूप के हिसाब से, और ए को हम कहेंगे, इस ए को जो हम इसमें रख रहे हैं तो बी आ रहा है, तो इस ए को हम कहेंगे प्री इमेज बी की इसी फंक्शन के तहत। तो जो फंक्शन एफ है ए से बी, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, एफ लिखते हैं, कोलन देते हैं, या आप कोलन देख पा रहे हैं, और ए फिर एरो देते हैं बी के साथ, फंक्शन इस तरीके से लिखते हैं। तो हमने देखा अपने पिछले एग्जांपल में भी कि कुछ चीजें, कुछ फंक्शंस, कुछ रिलेशनशिप फंक्शन थे, कुछ रिलेशनशिप फंक्शन नहीं थे, राइट। तो इसके हम और आगे बढ़ाएंगे कि कैसे होता है, पहले एक एग्जांपल देख लें फिर आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये कैपिटल एन आप किसके लिए होता है? नेचुरल नंबर के लिए होता है। कैपिटल एन है नेचुरल नंबर के लिए, और एक रिलेशनशिप आर है, एक रिलेशन आर है, उसको डिफाइन किया गया इस नेचुरल नंबर पे किस तरीके से, कि रिलेशन इस तरीके से बनेगा कि ये ऑर्डर्ड पेयर होगा एक्स वाई का, ये ऑर्डर्ड पेयर होगा एक्स वाई का, जिसमें वाई होगा 2x के बराबर। यानी कि जब भी हम एक्स वाई निकालना चाहेंगे, हम एक्स में एक वैल्यू डाल देंगे, ट्वाइस होके ये वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो हर बार जब भी एक्स की वैल्यू डालेंगे वाई की एक नई वैल्यू आएगी, क्योंकि एक्स और वाई दोनों एन को बिलोंग कर रहे हैं। आपको इसकी डोमेन निकालना है, कोडोमेन निकालना है, रेंज निकालना है, इसका डोमेन कोडोमेन और रेंज, और क्या बताना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है। पहली चीज समझिए डोमेन क्या होता है। डोमेन मतलब होता है बाएं हाथ का सेट। सीधी सी बात है कि डोमेन तो सारे के सारे सेट, सारे नेचुरल नंबर होंगे, इसका डोमेन नेचुरल नंबर होगा। कोडोमेन क्या होगा? इसका दाया हाथ, यानी कि अब जितना भी सेट बी में है, सेट यहां पर दूसरा सेट क्या है, वो भी एन है, तो कोडोमेन भी पूरा नेचुरल नंबर हो जाएगा। रेंज क्या होगा? आप देखिए रेंज क्या होगा, वाई में केवल ट्वाइस वैल्यू आ रही है, यानी केवल इवन वैल्यू आ रही है, तो रेंज इसका होगा केवल इवन नेचुरल नंबर, रेंज इसका होगा केवल इवन नेचुरल नंबर। और हर एक ऐसा होता है, हर एक नेचुरल नंबर जो एन है उसकी केवल एक ही इमेज हो सकती है। आप ऐसी कोई वैल्यू मुझे बताइए जिससे वाई दो बार आ जाए, ऐसा हो सकता है? कोई भी एक्स की वैल्यू डालिए जिससे वाई की दो वैल्यूज आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये रिलेशन फंक्शन है, इसीलिए जो डेफिनेशन से हमने सीखा उस हिसाब से ये रिलेशन आपका फंक्शन होगा। एक एग्जाम्पल देखिए, इसको एग्जामिन करिए,
इन रिलेशनशिप को और इसको स्टेट करना है हर एक केस में रीजन के हिसाब से ये फंक्शन है या नहीं है। तो पहला ये देखिए आर क्या है, 213142। तो पहले में क्या है, क्योंकि 2, 3 और 4 ये एलिमेंट्स हैं डोमेन के और इनकी इमेजेस यूनिक है, 2 की 1 हो सकती है, 3 की 1 हो सकती है, 4 की 2 हो सकती है। तो 2, 3, 4 यहां पर पहला जो मेंबर है ना वो रिपीट नहीं होना चाहिए, दूसरा हो सकता है। तो यहां पर आर जो है एक फंक्शन है। अगले में आइए, अगले में देखिए कि 2, 2, 2, 4, 3, 3, 3, 4, 4। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारा ये 2 और 2 रिपीट हो गया, क्योंकि इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है 2, इसका मतलब है एक ही एलिमेंट की 2 इमेजेस है, 2 की 2 है और 2 की 4 भी है। ये तो हो नहीं सकता है रिलेशनशिप में, तो फंक्शन में रिलेशन हो सकता है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। अगले में आते हैं 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7। तो हर एक एलिमेंट की अपनी एक इमेज है, हर एक एलिमेंट की अपनी एक इमेज है, उसे हम कह रहे हैं कि हाँ कि ये रिलेशन फंक्शन है। अगले डेफिनेशन में आते हैं, एक फंक्शन, अ फंक्शन विच हैज आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट्स रेंज इज कॉल्ड अ रियल वैल्यू फंक्शन। फर्दर इट इफ इट्स डोमेन इज ऑल्सो आइदर आर और सबसेट ऑफ आर इट इज कॉल्ड अ रियल फंक्शन। समझिएगा इसको, एक फंक्शन जिसका आर, जो आर का सेट आप देख पा रहे हैं रिलेशनशिप का, आर का रिलेशन का आर या कोई भी इस आर का सबसेट वो उस फंक्शन की रेंज है, उसे हम रियल वैल्यू फंक्शन कहते हैं। इसको बिल्कुल घबराई मत, क्योंकि मैं इसका एग्जांपल भी देखेंगे हम इसको। बस इसको समझिए कि एक फंक्शन या तो जो रिलेशन आर है या उस रिलेशन के सबसेट्स है, अगर बाय चांस वो उसकी इमेज है तो हम कहेंगे वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब यहां तो रेंज की बात करिए, मान लीजिए डोमेन भी आर या उसके सबसेट ऑफ आर में का, उसका डोमेन भी यही है या आर है रिलेशन है या उसका सबसेट है, रिलेशन का आर का सबसेट है, तो हम कहेंगे इसे रियल फंक्शन। ये रियल फंक्शन बहुत यूज होने वाले हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए एन आपका सेट है नेचुरल नंबर का, आपको डिफाइन करना है एक रियल वैल्यूड फंक्शन, तो हम कैसे करेंगे, एफ यहां एफ देख रहे हैं कोलन एन टू एन, यहां पर दोनों ही सेट एक ही है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और एफ एक्स है आपका 2x+1, एफ एक्स है आपका 2x+1। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से आपको कंप्लीट करना है ये टेबल। तो देखिए एफ वन क्या आएगा, आप अगर एफ वन इसमें 1 रखेंगे, यानी कि यहां पर x की जगह 1 रखेंगे, देखिए क्या आएगा 2 × 1+1, 3 आएंगे। अब एफ मतलब एफ टू यानी कि x की जगह 2 रखे, देखिए 2 × 2, 2 × 2+1 यानी कि क्या आएगा 5, ऐसे ही बाकी सारे आ जाएंगे। तो ये आपका इस तरीके से डिफाइन हो। अब हम क्या करेंगे, कुछ फंक्शन और उनके ग्राफ देखेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन, सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन है, मान लीजिए आर ये आपका सेट है रियल नंबर्स, आर विद द सेट ऑफ रियल नंबर, आप डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन। अब इस आर में हम क्या एक फंक्शन बना रहे हैं, एफ इज सच दैट आर टू आर, अच्छा ये रिलेशनशिप R से R में ही है, मतलब R पहला सेट भी रियल नंबर है दूसरा सेट भी रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर से वैल्यू जाएगी, रियल वैल्यू ही निकल के आएगी। तो अगर हम ऐसा फंक्शन बनाते हैं y इज इक्वल एफ एक्स, और इस तरीके से एफ एक्स बनाते हैं कि जब भी हम x रखें तो x ही चली आएगी, यानी फंक्शन ऐसा है कि उसके अंदर हमने जैसे 1 वैल्यू डाला तो 1 ही चलाया, -2 डाला तो -2 चलाया, -∞ डाला तो -∞ चलाया, तो वो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, जहां पर x जो है वो r को यानी कि रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। तो इस फंक्शन को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, जो डोमेन है और रेंज इन दोनों के r ही होंगे यानी कि रियल नंबर्स, और जो ग्राफ है उसका स्ट्रेट लाइन का वो इस तरीके से होगा। आप इसमें देखिए 0 है तो 0 है, 2 है तो 2 है, यानी कि 2 आपने यहां पर जैसे रखा y = x हो गया ना, ये सीधा y = x, तो जो भी आप वैल्यू रखते रहेंगे x में वो y को मिलती रहेगी। तो अगर आप 4 रखेंगे तो इसको भी 4 मिल जाएगी, -6 रख दीजिए -6 मिल जाएगी, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो ओरिजिन से पास हो रही है यहां पर। ऐसी कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू देते रहे आप वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, जैसे आपने कहा कि y इज इक्वल टू 5 या x इज इक्वल टू 3, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना, कोई भी वैल्यू आप देते रहिए वो कांस्टेंट ही देगा, यानी कि एक ऐसा फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं r से r तक। अब आप r समझ चुके हैं,
जहां पर y होगा c के बराबर, यानी x आप कुछ भी देते रहे इस एफ एक्स फंक्शन में, कुछ भी x देते रहे हमेशा ये c ही आएगा, यानी कॉन्स्टेंट ही आएगा। c इज अ कॉन्स्टेंट, c कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है। तो देखिएगा कि जो डोमेन है इस फंक्शन की वो r है, कैपिटल r, और रेंज इसका है आपका ये कॉन्स्टेंट। रेंज केवल कॉन्स्टेंट और कुछ नहीं, डोमेन में तो कोई भी वैल्यू दे सकते हैं आप ऐसी कोई बाध्यता तो थोड़ी ना है, कोई भी वैल्यू देते रहिए, लेकिन रेंज इसकी केवल कॉन्स्टेंट है, क्योंकि रेंज इसके अलावा हो ही नहीं सकती दूसरा, क्योंकि कॉन्स्टेंट है। अब देखिए, आप कोई भी वैल्यू एक्स की देते रहिए, ये हमेशा थ्री पे अटका हुआ है। अगर मैं इसको मानूं कि थ्री से पास हो रहा है, तो अगर एफ एक्स इक्वल टू थ्री है तो ये थ्री पे ही अटका हुआ है, यानी कॉन्स्टेंट है इस जगह पे, ना ये इधर जा रहा है ना ये उधर जा रहा है। तो जो ग्राफ आपने अब देखा, ये एक लाइन पैरेलल थी एक्स एक्सिस की, यहां पर देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, जैसे एफ एक्स इक्वल टू थ्री। अब हम आगे देखते हैं आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। तो जो फंक्शन कुछ इस तरीके से है, f इज सच दैट, f कोलन करते हैं, r टू r यानी रियल नंबर टू रियल नंबर, ये पॉलिनोमियल फंक्शन तब होगा हर एक x के लिए जब एफ एक्स आएगा a0 प्लस a1x प्लस a2, इस फॉर्म में होगा a0 प्लस a1x और an x टू द पावर n, इस फॉर्म में होगा, जहां पर n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और a1 a2 a3 से an ये आपके r को बिलोंग कर रहे हैं। जो फंक्शन इस तरीके के होते हैं उन्हें हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। अभी एग्जांपल देख लीजिए, ये जो हमने डेफिनेशन दी इसका एग्जांपल है, एफ एक्स है जैसे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसी तरीके से जी एक्स ले लीजिए एक्स टू द पावर फोर प्लस रूट टू एक्स, ये क्या है, ये भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप बोलते हैं कि मेरे पास एक और फंक्शन है एच एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर टू बाई थ्री प्लस टू एक्स, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, नहीं, क्योंकि इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए ये वन है टू है थ्री है, जहां पर n आप देख रहे हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ये इंटीजर टू बाई थ्री इंटीजर नहीं है ना, टू बाई थ्री इज नॉट इंटीजर, सो इट हैज टू बी एन इंटीजर, तब काम बनेगा अपना। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, डिफाइन द फंक्शन f r टू r, जहां पर y है, मतलब जो फंक्शन है fx वो आपका x स्क्वायर है, उसको कंप्लीट भी करना है इस टेबल को, इसका बताना है कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो कैसे बनाएंगे, जैसे माइनस फोर है, जरा इस x को इसमें रखिए या इसमें डालिए, एक्स स्क्वायर क्या आएगा, माइनस फोर इंटू माइनस फोर क्या आएगा, फोर फोर जा सिक्सटीन, ऐसी आप हर इस वैल्यू को डालिए, ये 16 आएगा। अब माइनस थ्री को मैं एक और लेता हूँ, यहां से लेता हूँ, ये टू डालिए, टू डालिए कितना आएगा, टू इंटू टू इज फोर, टू इंटू टू इज फोर, इस तरीके से इस वैल्यू को भर दीजिएगा, बस यहां तक ठीक है। अब इसका जरा ग्राफ देखते हैं, डोमेन इसका क्या है, ये तो डोमेन आपको यहां दिख रहा है, डोमेन इसके कोई भी वैल्यूज हो सकते हैं जो आर को बिलोंग करते हैं रियल नंबर। रेंज क्या होगा इसका, रेंज आप देखिए, ये भी तो सारे रियल नंबर ही है, ये भी तो सारे रियल नंबर ही है ना, एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, मतलब एक्स स्क्वायर होगा लेकिन ये एक्स आर भी बिलोंग करेगा, रियल नंबर ही है सारे। जो ग्राफ बनेगा उसका वो कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिए आप जीरो पे देंगे तो जीरो आएगा, वन को देंगे तो वन आएगा, लेकिन टू पे देंगे एकदम से तो आपका फोर हो जाएगा, टू पे देंगे मतलब एक्स अगर आपका टू है तो वाई आपको फोर मिलेगा, एक्स छह दे देंगे तो आपका सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स मिल जाएगा। अगर आप माइनस टू देंगे, हमेशा ये ऊपर ही रह रहा है, देखिए ये कभी नीचे नहीं जा रहा, नेगेटिव में नहीं जा रहा, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अगर आप माइनस टू भी देते हैं, बाई चांस माइनस टू भी देते हैं तो भी ये फोर पे ही जाएगा, ये देखिए यहां पर। तो इसलिए इसका जो ग्राफ है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, वो इस तरीके से बनेगा। आपको कुछ याद आ रहा है, ये कॉनिक सेक्शंस में आता है, अगर आप इसको जान चुके हैं तो कोई बात नहीं, तो आगे के आपके डिस्कशन में आएगा ये। इसे हम कॉनिक सेक्शन कहते हैं, ये बेसिकली एक y इज इक्वल टू, ये आपके पैराबोला का फॉर्म है, राइट, y इज इक्वल टू फोर ए एक्स वाई स्क्वायर वाई इक्वल फोर ए एक्स, इस तरीके से आपका ये फॉर्म आता है, एक्स स्क्वायर इसमें होता है। तो ये एक तरीका है आपको रिप्रेजेंट करने का, ओके। तो अब हम एग्जाम्पल 14 अगले वाले डिस्कशन में लेंगे, हमने काफी चीजें देख ली, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी के लिए।